शंकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि जब वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति और वृद्धि होती है तो उसका परिणाम क्या आता है, और युद्ध करने से परिवार में एक नुकसान होता है। कौन सा नुकसान? इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है, पतन्ति पितरो ही एसाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। पतन्ति कुलों में पितरों के लिए पिंडोदक क्रिया का लोप हो जाता है जिससे उनके पितर गिर जाते हैं। कहां गिर जाते हैं? इस श्लोक में कहा है, नरकाय कुल धनानाम कुलस्य स, संपूर्ण कुल को और कुल धातियों को नरक की प्राप्ति होती है, नरक में गिरते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। ये पिंडदान का तत्व क्या है? इस पिंडदान की क्रिया में पितरों को समय समय पर जल और भोजन अर्पण करना होता है। किसी के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि अगर हमारे पितर मनुष्य शरीर में नहीं है तो क्या हमारा दिया हुआ जल तथा पिंडदान उसको मिलता है? हाँ, जरूर मिलता है, क्योंकि इसमें भगवान की व्यवस्था है। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पितर गाय के शरीर में है और हम यहाँ भोजन अर्पण करते हैं तो उनको घास के रूप में मिलेगा। ये भगवान की व्यवस्था से ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाता है। जैसे अगर किसी का लड़का अमेरिका में रहता है और वो लड़का अपने बाप को पैसा भेजता है तो वो वहां से डॉलर में भेजेगा, लेकिन यहां पर उसके बाप को रुपये के रूप में मिलेगा। ऐसे ही हमारे पितृ जिस जिस शरीर में होते हैं उस शरीर के अनुरूप उनका पिंडदान ट्रांसफर हो जाता है। ये कर्मकांड सिस्टम में कहा जाता है। इस पिंडदान विधि का आधार अथवा किसके अनुसार ये विधि की जाती है? यह विधि वेदों के कर्मकांड विभाग के विधि विधानों के अनुसार की जाती है। इस पिंडदान विधि को करने का सही तरीका क्या है? इस पिंडदान क्रिया को विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है और विष्णु का अर्पित भोजन प्रसाद पितरों को दिया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन उत्सिष्ट भाग प्रसाद के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। इसलिए विष्णु द्वारा श्राद्ध पिंडदान करने का सही तरीका है। श्राद्ध तथा पिंडदान के बारे में कुर्म पुराण में कहा है, श्राद्ध दिने अपि प्रांगणम भगवत अर्पयेता तस्सेषेण कुर्वन्ति श्राद्धम भागवतो नरः। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट कहा है, श्राद्ध दिने अपि, श्राद्ध के दिन प्रांगणम अन्नम अथवा भोजन को भगवत अर्पयेतः, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात तस्सेषेण कुर्वति श्राद्ध, उसके बाद शेष अंश से श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। अगर श्राद्ध विष्णु पूजा और विष्णु को भोजन अर्पण किए बिना करते हैं तो उसको पाप लगता है, ऐसा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कहा है। भक्षे भोजयस यतः किचिंद निवेधाय भोक्तरी न देयम् पितृ देवे भयः प्रयाश्चित यतो भवेत्। सर्वप्रथम भगवान हरि को आहार अर्पण किए बिना हम पितरों को आहार देते हैं तो उसका हमको प्रयाशित करना होगा, इसलिए पहले विष्णु को अर्पण करना चाहिए। दूसरा मुद्दा महत्वपूर्ण है कि अगर श्राद्ध वैष्णव को नहीं खिलाते हैं तो उस श्राद्ध को स्कंद पुराण में
राक्षस श्राद्ध का है। यस्तु विद्या विनिर्मुक्तम मूर्ख मत्वातु वैष्णवम वेदविद भयो अदद विप्रहा श्राद्धम तद राक्षसम भवित। जो व्यक्ति वैष्णवों को मूर्ख जानकर वेदज्ञ पंडित ब्राह्मणों को श्राद्ध देता है वह श्राद्ध राक्षस द्वारा ग्रहण किया होता है। इस श्लोक का सार यह है कि श्राद्ध किसी वैष्णव को ही देना चाहिए। यह मेरा स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये स्कंद पुराण का प्रमाण है। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि ये पिंडदान क्यों करना है, इस विधि के पीछे उद्देश्य क्या है। शील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी हमारे पितृगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनके स्थूल शरीर है जो स्थूल शरीर वो न प्राप्त होने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भूत और प्रेत का सूक्ष्म शरीर बहुत ही कष्टदायक होता है, इसलिए वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह से सहायता पहुंचाना कुल परंपरा है। ये पिंडदान और श्राद्ध की विधि किनको करनी चाहिए, कैसे लोगों को करनी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं जो लोग शास्त्र के अनुसार विष्णु भक्ति अथवा कृष्ण भक्ति जीवन यापन नहीं करते हैं उनको ये विधि करनी चाहिए। किनको ये पिंडदान तथा श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है? जो लोग शास्त्र के अनुसार विष्णु भक्ति अथवा कृष्ण भक्ति में जीवन यापन करते हैं उनको ये विधि करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कृष्ण भक्तों को कर्मकांड के अंतर्गत ये पिंडदान तथा श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल कृष्ण भक्ति करने से मनुष्य सैकड़ों क्या हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है। किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्या कोई शास्त्र प्रमाण है? हाँ, स्कंद पुराण के अंदर प्रमाण है। जो प्रतिदिन येर अर्चितो हरि भक्त्या हरि की अर्चना करके भक्ति करता है उसको पिंडदान और श्राद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा सेम वाक्य इसके जैसा ही वाक्य श्रीमद् भागवत में कहा है, देवर्षि भूतापत्नीणाम पितृणाम न किंकरो नायम स रणि सराजन सर्व आत्मनः यः शरणस्य गतो मुकुंद परित्यः कर्तम। अर्थात जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के शरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, इस पथ पर गंभीरतापूर्वक चलता है, वह देवताओं मनुष्यों सामान्य जीवों सज्जनों पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरे हो जाते हैं और ऐसी कथा श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में आती है। जब भगवान नृसिंह देव हिरण्यकशिप को मार देते हैं उसके बाद प्रह्लाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं। भगवान नरसिंहदेव प्रह्लाद महाराज की प्रार्थना से अति प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। तब प्रह्लाद महाराज कहते हैं कि मेरा पिता आपसे ईर्ष्या करता था, फलस्वरूप नरक में गया है, उसका उद्धार कर दीजिए, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। तब नरसिंहदेव भगवान ने प्रह्लाद महाराज से कहा, श्री भगवान वाच त्रि सप्त भी पिता पोता पितृ भी सहते अनगहा यत् साध्यो अस्य कुलो जातो भवान वे कुल पावनः। भगवान नरसिंहदेव ने कहा, प्रह्लाद तेरे जैसा वैष्णव इस घर में जन्म लेने से और तेरी भक्ति के प्रभाव से त्रि सप्त भी यानी 3×7=21 पीढ़ी तर गई। पिता पुत पितृ भी सहा तेरे पिता और पितरों सहित 21 पीढ़ी का उद्धार हो गया। तो हमको सोचना है कि श्राद्ध करके एक पितर को तारना है अथवा उद्धार करना है या भक्ति करके
21 पेड़ी को तारना है। इस आधुनिक युग में श्राद्ध की विधि इतनी सही नहीं है, इसलिए एक पितृ के उद्धार होने की संभावना भी बहुत कम है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भक्ति का अभ्यास कीजिए और 21 पीढ़ी को तारिए। यही इस श्लोक का सार है। नेक्स्ट श्लोक 42 में अर्जुन कह रहा है कि युद्ध से संस्कृति का नाश होगा। किसका नाश होगा? संस्कृति का नाश होगा। इस श्लोक में अर्जुन कह रहा है कि युद्ध से वैदिक संस्कृति का नाश होगा। वैदिक संस्कृति क्या है? दोषे रेते है कुल धनानाम। जो लोग कुल परंपरा को विनाश करते हैं, उसका नाश करते हैं, तथा वर्ण संकर कार के है, इस तरह वर्ण संकर संतानों को जन्म देते हैं। उच्चादंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वत। उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में सनातन धर्म के महत्व को लिखते हैं। सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजन है कि मनुष्य चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर सके।